हमारा कल्चर हम सबको दिखा रहे हैं, इसीलिए तो ये सब जुड़ रहा है। गुजर समाज सबके लिए गर्व है, ये गौरव की बात है कि हम यहाँ सब जुड़े हैं, और खासकर गुजरियों के लिए गर्व की बात है, क्योंकि ऐसा है गुजरी जो है ना वो घर के गाँव में व्यस्त बहुत ज्यादा रहती है, तो इसलिए आज तीन दिन गुजरी की मौज ही मौज है। मैं तो ये चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति हर एक बच्चा यहाँ पे आए, देखे कि हमारी संस्कृति जो हमारी गुर्जर संस्कृति है इसमें क्या अच्छी चीजें हैं। तो ये संदेश मेला के माध्यम से ये हमें संदेश मिल रहा है, ये सब गुर्जर हम एक हैं, हमारी वेशभूषा भाषा संस्कृति अलग हो सकती है लेकिन हम सब एक गुर्जर हैं। आप देख सकते हैं यह मुख्य रूप से राजस्थान की स्टाल हैं, और यहाँ पर मुख्य रूप से पीछे गवरी नृत्य को लेकर गवरी के कलाकार हैं, और इनके बीच में यहाँ पर देश भर के अलग अलग क्षेत्र से और लोग आए हैं थाली मादल की इस धूम के साथ। जो ये इस गुजर महोत्सव में लोग आए हैं वो भी बड़े उत्साह के साथ नृत्य कर रहे हैं। एक तरफ मेवाड़ के गवरी नृत्य के कलाकार हैं, तो दूसरी तरफ महिला अब आप देख सकते हैं इन कलाकारों के बीच में ये महिलाएं किस तरह से उत्साह व उमंग के साथ नृत्य कर रही हैं। मेवाड़ की गौरी हैं और उस गौरी नृत्य के बीच ये महिलाएं, और ये एक अलग नेचुरल दृश्य इसमें देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये कृष्ण बने कलाकार हैं। गौरी नृत्य महोत्सव गुजर महोत्सव हरियाणा के फरीदाबाद के, ये देखिए उदयपुर के भील समाज के कलाकार हैं जो कि गौरी नृत्य के कलाकार हैं और वहां से आए हुए हैं, और इनके बीच में महिलाएं नृत्य कर रही हैं। गौरी नृत्य का यह अनूठा दृश्य देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हो गए हैं। जब यहाँ गौरी नृत्य हो रहा था इस नृत्य को देखने के लिए कई महिलाएं जुड़ गई और महिलाएं भी इन लोगों के साथ नृत्य करने लग गई। आप देख सकते हैं किस तरह का नृत्य किया जा रहा है, और ये एक कल्चर प्रोग्राम है। ये महिलाएं देखिए गौरी नृत्य के साथ में जैसे किस तरह से उत्साह के साथ ये नृत्य महिलाएं डांस कर रही हैं, और यहाँ गौरी नृत्य के कलाकार भी हैं। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से, जौनापुर गांव में, हमारा भरले में जौनापुर का है। अच्छा, तो ये बहुत डांस करते हैं। जौनापुर मेहरौली जौनापुर छोटी दुबई, हम भारत के दुबई से, जौनापुर छोटी दुबई। हम बहुत खुश हैं, मैं अलीगंज की लड़की हूँ, पाली पाखल की है, समरपुर की है, और हम छोटी दुबई में रह रहे हैं। बेटी पाखल की हूँ, यही जौनापुर। माइक छोड़ो एक बार, आप मैं पूछ रहा हूँ, बड़ा उत्साह उमंग दिख रहा है गौरी नृत्य। हमारा कल्चर हम सबको दिखा रहे हैं, इसीलिए तो ये सब जुड़ रहा है। गुजर महोत्सव, ये कौन सा नृत्य था पता है? यू तो राजस्थानी राजस्थानी में गौरी नृत्य, गौरी नृत्य, शिव पार्वती जो है ना उसका एक नाटक, शिव पार्वती का एक प्रेरणा देने वाला एक नृत्य है, उसमें ये अच्छा अच्छा। ये गुजर महोत्सव में आज सभी जगह से लोग आए हैं, कैसा लग रहा है? मुझे समाज सबके लिए गर्व है, ये गौरव की बात है कि हम यहाँ सब जुड़े हैं, और खासकर गुजरियों के लिए गर्व की बात है। सब वहाँ से आए हैं, बहुत अच्छा है, गर्व की बात है। ये गुजरों का मेला है, गुजर जो है हमारे भाई लोग है सब, वे इतने खुश नहीं है जितनी गुजरी खुश है। डांस का, क्योंकि ऐसा है गुजरी जो है ना वो घर के गाँव में व्यस्त बहुत ज्यादा रहती है, तो इसलिए आज तीन दिन गुजरी की मौज ही मौज है। मतलब खुल के नाचना, खुल के एंजॉय है, तो आज हमारे जो हस्बैंड है वो भी खुशी खुशी भेज रहे हैं, गुजरी का मेला है जाओ। मतलब तीन दिन का कार्यक्रम है, तो तीन दिन के कार्यक्रम का बड़ा मौज मस्ती करेंगे और खूब गुजरों की शान बढ़ाएंगे। गुजर शान की जय, कौन बाबा की जय, माता रानी की जय, जौनापुर गांव की जय, जौनापुर की जय।
ये देखिए मुख्य रूप से, और दूसरी तरफ गवरी नृत्य चल रहा है। गवरी नृत्य के बीच भी यहाँ की महिलाएं देखिए ये डांस कर रही हैं। ये श्री कृष्ण पात्र बना हुआ है, उसके साथ महिलाएं देखिए इस गवरी नृत्य का आनंद ले रही हैं। वे भी इनके बीच में नृत्य कर रही हैं। शिव पार्वती बने हैं, श्री कृष्ण का पात्र हैं, और ये मेवाड़ राजस्थान के उदयपुर से गवरी नृत्य के कलाकार यहाँ गुजर महोत्सव में पहुँचे हैं। और इस गुजर की महिलाएं, गुजर समाज की विभिन्न क्षेत्र से जो आई हैं, इन भील समाज की जो कलाकार हैं, गवरी नृत्य करने वाले हैं, उनके बीच में ये बड़े उत्साह और उमंग के साथ नृत्य कर रही हैं। हम इसी तरह के अलग अलग दृश्य आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की ये गुजर महोत्सव के आयोजन हो रहा है। यहाँ पर बड़ी तादाद में देश भर के लोग यहाँ आए हैं समाज के, और यहाँ पर बड़ी तादाद में अलग अलग स्टालें लगी हैं, अलग अलग क्षेत्र से लोग आए हैं, अलग अलग जगह के लोग आए हैं, वहाँ के दृश्य भी आपको पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए अब अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं यहाँ पर, और कई उदयपुर के शिल्प ग्राम की तर्ज पर यहाँ पर उसी तरह के विभिन्न तरह के आयोजन यहाँ हो रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक भड़ाना। कहाँ से आया? अनंतपुर। क्या एंजॉय कर रहे हो गुजर महोत्सव? हाँ। क्या यहाँ पे अपना कल्चर दिखा हुए? यहाँ पे सारे गुजर भाई दिखे, एक साथ कल्चर दिख रहा है अपना पूरा गुजर निवास यहाँ पे बढ़िया सारे भाई भाई अपना आयोजन होने चाहिए और बढ़िया होने चाहिए। और ये मुख्य रूप से देखिए अलग अलग जगह से। मेरा नाम सार्थक है। कहाँ से आयो? छतरपुर। क्या लग रहा है ये जो आयोजन किया है गुजर समाज के अलग अलग जगह से? ये हमारा समाज है, हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हमारे गुजर समाज में कहाँ कहाँ से व्यक्ति हैं और किस गांव से हैं। आज के टाइम में लोगों को ये नहीं पता कि हमारे गुजर इतिहास में कितने गोत्र हैं। ये कला संस्कृति के साथ गुजर समाज के इतिहास से भी युवा पीढ़ी रूबरू हो रही है। हाँ जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा यहाँ पे आए, देखे कि हमारी संस्कृति, जो हमारी गुजर संस्कृति है, इसमें क्या अच्छी चीज़ें हैं। शहर के बालक हैं, इन्होंने आज तक ये चीज़ नहीं देखी होगी जो गुजरों में है। अपने जो गुजर इतिहास में जो हम अपने देखते हैं, जैसे मीर बोज हो गए, ये सारे जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, लोगों को पढ़ना चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ कि इनके ऊपर पेपरों में, बुक्स में टेस्ट होने चाहिए इनके, जिससे हमारा गुजर इतिहास और ऊपर जाए। गुजर का इतिहास कहीं कहीं दब गया है, ऐसे इन आयोजनों से कहीं कहीं बाहर आ रहा है। देखो, इन आयोजनों से गुजरों में जागृति आ रही है, और जागृति से मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक उत्सव वाली जागृति है। ये मौके बार बार नहीं आते। मैं सभी गुजरों से यह अपील करना चाहूँगा कि वह सभी परिवार समेत इस मेले को देखने आए और इसका आनंद लें और अपनी संस्कृति का आनंद लें और अनुभव लें कि हमारी संस्कृति में क्या हिस्ट्री थी और क्या हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है, राजाओं के बारे में जानकारी हमारे गुजर परिवारों के अंदर या गुजरों के अंदर जो परिवार राजा थे वो किस प्रकार से राज्य करते थे, उनकी हिस्ट्री जानने को मिलती है। यहाँ रागनी का सम्मेलन हो रहा है और अनेक अनेक प्रकार के सम्मेलन हो रहे हैं, देखने को मिलेंगे और आनंद मिलेगा। इसमें भी ये देखने को मिलता है कि जैसे जो आज का गुजर समाज के जो पुराने योद्धा हैं या कलाकार हैं या जो पूर्व जो हुए हैं, इतिहासकार हो या चाहे स्वतंत्रता सेनानी हो, वो केवल स्टेट तक सीमित हो गए। हरियाणा के जो ऐसे योद्धा हैं उनको राजस्थान में नहीं जानते, और राजस्थान में जो योद्धा हैं उनको हरियाणा या अन्य स्टेट में नहीं जानते। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, गुजरों का हम इतिहास उठा कर देखें, 1857 की क्रांति, उस क्रांति के अंदर गुजरों ने ही सबसे ज़्यादा भाग लिया था और उसको सुचारू रूप से चिंगारी से आग का गोला बनाने वाले गुजर ही थे और सबसे ज़्यादा शहीद होने वाले भी गुजर थे और आंदोलन में सबसे ज़्यादा हिस्सा लेने वाले भी गुजर ही थे। कहते हैं जवानी नाम है बलिदान का, विस्पान करने का, जवानी की पहचान मूलों पर ना सोती है, सदाई गतिमति रहती, कभी रोकती ना कभी सोती है। हमारे गुजर महान योद्धा थे, शक्तिशाली थे, उनकी भुजाओं में दम खम था। कहते हैं पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजगंड, रस रस में लहर आके तभी जवानी पाती है वह। हमारे सुरमाओं की ताकतें और जानकारियाँ इस सम्मेलन के माध्यम से
रूबरू हो रही है। और दूसरा, जहां तक जैसा आपने बोला कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के को वाले को नहीं पता होता, ऐसे सम्मेलनों से एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बारे में जानकारी मिलेगी, आपस में मिलना जुलना होगा और प्राचीन दबी हुई संस्कृति उभर के आएगी और गुर्जरों को एक होने का बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। गुर्जर एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जैसे मुख्य रूप से हम भी प्रयास कर रहे हैं कि इसी तरह जो कला संस्कृति हैं उससे रूबरू कराएं, वहाँ की आपको उस व्यवस्थाओं से रूबरू कराएं, वहाँ की जो किस तरह की कलाकृतियाँ हैं, किस तरह का समाज का परिवेश है, उन परिवेश से भी आपको रूबरू कराने का प्रयास करें। और यहाँ आप देख सकते हैं ये अलग अलग मंच तैयार किए गए हैं इस गुर्जर महोत्सव में, इस गुर्जर मेले में। यहाँ पर पूरे देश से लोग आए हैं, पूरे देश से कलाकार आए हैं, देश से महिलाएं आई हैं, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग संस्कृति। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दूसरा कार्यक्रम भी आपके द्वारा ही आप देख सकते हैं, ये गुर्जर महोत्सव है। अब ये हरियाणा सरकार के मंत्री हैं गुर्जर समाज, ये हमारे राजस्थान देवगढ़ के उप प्रधान साहब हैं, वो भी आए। बहुत बढ़िया लाग रहे हो मेलो, बहुत गुजरे में मेलो भर रो है और हर गुजरे मतलब भारत का पूरा गुजरे बेड़ा वेरिया है और भारतीय अलग अलग वेशभूषा में, अलग अलग संस्कृति में और अपना अपना जो अलग अलग संस्कृति, रीति रिवाज, वेशभूषा और खान पान, इस पूरे भारत की जो गुजर समाज के जितने भी समाज के अलग अलग रीति रिवाज है वो देखवाने मिल रहे हो मेला में। और मेलो बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे पे नेता लोग भी आ रहा है और गुजर और गुजरिया आपस में अपने जो पुराने जो संस्कृति डांस वगैरह वो वेरियो है और रागनियां भी गई जा रही है। और आज राजस्थान आप देवगढ़ अटे आया हो उप्रधान साहब, तो कई लागो अटारो मने वो लागो कि पूरा भारत में गुजर समाज की एकता, एकता का जो संदेश दिया जा रहा है कि भाई गुजर समाज सब एक समाज है और एक ही तरह के जो अलग अलग हम अलग अलग से है, तो ये संदेश मेला के माध्यम से ये हमें संदेश मिल रहा है कि सब गुजर हम एक हैं, हमारी वेशभूषा, भाषा, संस्कृति अलग हो सकती है लेकिन हम सब एक गुजर हैं और हमारा गुजरों में एकता का जो संदेश मिल रहा है वो हमें यहाँ मिल रहा है। तो राजस्थान में और भी आया गुजर, राजस्थान से बहुत दौसा जिला से जो ओगनी रागनी जो गा रहे हैं वो अपने दौसा जिला से है और मतलब मेवाड़ से बहुत से लोग यहाँ आए हुए हैं और राजस्थान से काफी लोग यहाँ मतलब मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ पर हमारे मेवाड़ का जो प्रसिद्ध गर्त्य गवरी नृत्य भी यहाँ पर किया जा रहा है, गर्त्य नृत्य सुबह हुआ है और 3 दिन तक यहाँ गवरी का नृत्य चलेगा। आप भी बनना चाहिए मैं मेवाड़ की धरती के जो त्याग और बलिदान की धरती माना जाता है और जो हमारे मेवाड़ को बचाने के लिए पन्ना दाय ने अपने बेटे का चंदन का बलिदान दे करके उदय सिंह जी को बचाया और महाराणा प्रताप हुए, तो उसके लिए मैं कमेरी महाबलिदानी पन्ना दाय स्मारक संस्थान कमेरी का अध्यक्ष हूँ और मैं ये यहाँ बताने आया हूँ मेले में क्योंकि हमारी मेवाड़ की जो वीर भूमि है, त्याग और तपस्या की भूमि है, उस पर भी हमारा इस तरह का एक गुजर समाज का जो भारत का मेला वहाँ पे भी लगना चाहिए ताकि ऐसी जो पन्ना दाय इस विश्व में कोई ऐसी माता नहीं है जिसने अपने बच्चे का बलि दे करके इस महान मेवाड़ को, राजवंश को बचा करके अपनी मेवाड़ की शान और पगड़ की शान रखी है। इसलिए मैं भी इस संदेश इस मेले में देने के लिए आया हूँ कि भी हमारे मेवाड़ में भी इस तरह का मेला भरे और हमारे जो पन्ना दाय का त्याग और बलिदान वो पूरे भारत देश में जाए। आज आशापुरा कल्याण ट्रस्ट ने भी विशेष यहाँ पे स्थान लगी है। मान जी भाई जो है आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट की ओर से उन्हें पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो भी अपने एक उनके स्थान पर पन्ना दाय का मंदिर बनवाना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने इस मेले में एक स्टॉल लगाई है और उस स्टॉल में राष्ट्र माता पन्ना दाय के नाम से उन्होंने पेमलेट बांट रहे हैं और मेवाड़ की जो गौरी का नृत्य है वो असम मानव कल्याण ट्रस्ट की ओर से यह किया जा रहा है और उनकी मुहिम है कि पर्यावरण क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, इसलिए वो उनका भी योगदान बहुत अच्छा रह रहा है। नानजी भाई का भी इस मेले में योगदान बहुत अच्छा है। आपने देखा कि ये प्रधान साहब हैं वो प्रधान देवगढ़ से हैं और यह भी इस हरियाणा में आए हैं, यहाँ पर ये मेला चल रहा है, मेले में अलग अलग
क्षेत्र से महिलाएं आई हैं, पुरुष आए हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग इस कार्यक्रम में आए हैं और वो इस कार्यक्रम के माध्यम से कहीं कहीं इस अपनी कला से अपनी संस्कृति से जुड़ रहे हैं, उन लोगों से भी मिलने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कैबिनेट मंत्री शिक्षा मंत्री हैं हरियाणा के, वो यहाँ आए हुए हैं और उनके ये राजस्थान की तरफ से एक मंच यहाँ तैयार किया गया है गुजर महोत्सव। ये राजस्थान से जुड़े लोग ये मेरा देश का आपने जोड़ा है समाज का। एक बार मैं कह रहा हूँ दिवाकर जी के माध्यम से, अरे सत्संग बिना ज्ञान सागर मीठे श्री कंवर सिंह तंवर जी, पूर्व सांसद श्री निशांत छोकर जी, श्री रणदीप चौहान जी, श्री सुरेंद्र विधोड़ी जी, श्री समय सिंह भाटी जी, गुर्जर आर्ट एवं कल्चर ट्रस्ट के सभी सदस्यों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। एक बार ताली सम्मान बढ़ाया, पूरे सरदारी का जिक्र किया। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि जिन्होंने इस आर्ट एंड कल्चर प्रोग्राम में जो गुजर महोत्सव का अभी अभी उद्घाटन किया, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ जो हमारी सरदारी यहाँ पे है मंत्री जी, उनसे भी एक बार अपना उद्घाटन करें। भाई राजेश नागर जी, पूर्व सांसद कंवर सिंह तंवर जी, भाई सुखबीर जी विधायक नकुड़, और आर्ट एंड कल्चर के सभी पदकारीगण जिन्होंने ये बहुत बड़ा प्रयास, और मैं समझता हूं कि हमारी समझ से अलग काम किया उन्होंने, हमें तो किसी को आइडिया भी नहीं था कि इस प्रकार का भी कोई कार्यक्रम किया जा सकता है। और उन्होंने पिछले साल भी मुझे आमंत्रित किया था और मैंने वादा भी किया था कि मैं आऊंगा 100%, लेकिन नहीं ताड़िया काम दे रहे तो गड़बड़ हुई तो लेकिन मैं आ नहीं सका। लेकिन जब उसके बाद में यहाँ कुछ प्रोग्रामों में आया तो सब लोगों ने इसकी बड़ी तारीफ करी कार्यक्रम की, और उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। तो मुझे भी इस बात का दुख होया कि भाई मैं पहुंच नहीं सका। तो अब की बार भी मैंने कहा था, हालांकि हमारे बहुत कार्यक्रम थे आज क्योंकि गीता जयंती के उत्सव चल रहे हैं और उसमें काफी व्यस्त है, पर मैंने सोचा अब की बार बिल्कुल नहीं, अब की बार सारे प्रोग्राम कैंसिल करके मैंने कहा कि अब की बार मैं जरूर आपके बीच में आऊंगा। और जिस उत्साह के साथ आप सब लोग लगे हुए, मैंने अभी परली साइड में भी जो मैं बोला तो वहां भी मैंने यही बात कही कि अपना जो कल्चर है वो बहुत समृद्ध कल्चर है और बहुत उसके प्रमाण भी मिलते। मैं अभी कह रहा था कि भाई बिरादरी के नाम से कोई भाषा नहीं है, लेकिन एक भाषा गुजरी भाषा जरूर है। राग भी मेरा लगा बिरादरी के नाम से नहीं है, पर राग गुजरी भी है। हालांकि मुझे पता नहीं था, मैं एक दिन एक कार्यक्रम देख रहा था, उस कार्यक्रम में जब उसने कहा कि भाई मेरे गुरुजी ने मेरे से कहा कि राग गुजरी में सुना कुछ, तो मतलब राग भी हमारे नाम से था और भाषा भी हमारे नाम से। द मारुति नंदन ग्रैंड
नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जूरियस 5-स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।